गाइस, एमए मेडिसिन वाले चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एल्टीजेसिक पी टैबलेट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, एल्टीजेसिक पी टैबलेट टू कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। फर्स्ट एसाइक्लोफेनाक 100 mg और सेकेंड पैरासीटामोल 325 mg से बना हुआ है। सो गाइस, ये दवाई एलकेम लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसकी कीमत जैसे कि आप देख सकते हैं 104 रुपये 15 टैबलेट है। सो गाइस, इस दवाई का प्रयोग मुख्य रूप से बदन दर्द, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, दांत दर्द, कान दर्द, गले में दर्द, ऑस्टियो आर्थराइटिस और बुखार के इलाज में किया जाता है। सो गाइस, देखा जाए तो एल्टीजेसिक पी टैबलेट एक दर्द निवारक दवा है। सो गाइस, अब मैं इसके साल्ट के बारे में बताऊँगा। एसाइक्लोफेनाक साल्ट कैसे काम करता है। एसाइक्लोफेनाक नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के ग्रुप में आता है। यह कुछ विशेष रासायनिक संदेश भागों मुक्त होने से रोकता है, जिसके कारण शरीर में प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रासायनिक पदार्थ कम होने लगता है, जिससे शरीर में दर्द और सूजन में राहत देता है। सो गाइस, पैरासीटामोल साल्ट कैसे काम करता है। पैरासीटामोल मस्तिष्क में कुछ विशेष रासायनिक संदेश भागों मुक्त होने से रोकता है, जिसके परिणाम स्वरूप त्वचा में रक्त का प्रभाव बढ़ जाता है और पसीने आने लगते हैं और बुखार कम हो जाता है। सो गाइस, इस दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि उल्टी, उबकाई, पेट दर्द, भूख में कमी, आईनी में दिल की धड़कन और दस्त हो सकते हैं। यदि इस प्रकार की कोई समस्या हो तो इस दवाई को ना लें। सो गाइस, इस दवाई को लेने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर, स्टोमक अल्सर, डिजीज वाले पेशेंट और गर्भवती महिलाएं और ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली महिलाएं इस दवाई को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सो गाइस, डोज के बारे में बात करें तो एसाइक्लोफेनाक 2 या 3 mg पर के जी के हिसाब से दे सकते हैं 24 घंटे में दो बार, और पैरासीटामोल 15 mg पर के जी के हिसाब से दे सकते हैं 24 घंटे में दो बार। सो गाइस, एल्टीजेसिक पी टैबलेट एडल्ट पेशेंट को दिन में दो बार दे सकते हैं। सो गाइस, आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, और इस दवाई को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद।